अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो एएस डिज़ाइनर। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ वन एक्सपर्ट पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान स्टेप है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये गूगल ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च बार में जाके लिखना है वन एक्स बेट, ठीक है। वन एक्स बेट जैसे आएगा तो आपने उसको सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ खड़ा है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला आ गया है, ठीक है। आपके पास ऊपर में भी आ सकते हैं, दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं, तो आपने इसके पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे वन एक्सपर्ट ओपन हो जाएगी। तो ये जैसे ओपन होगी तो यहाँ पे आपने आके क्या करना है, यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक है वन क्लिक, ठीक है। वन क्लिक के ऊपर सिर्फ ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोमो कोड देना होता है, तो उसके बाद जो है बाकी फिर पूरी प्रोफाइल हर चीज़ आपको दोबारा से डालनी पड़ती है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें बाय फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना था, यहाँ पे सेंड एसएमएस करना होता है, जो एसएमएस में कोड आएगा वो यहाँ पे कंफर्म करना होता है, और फिर यहाँ पे आपने प्रोमो कोड देना होता है। प्रोमो कोड आपको बता दूँ, प्रोमो कोड ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने ये वाला देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जितना आप डिपॉजिट करोगे आपको उतना बोनस मिलेगा, 100% इसमें आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो प्रोमो कोड फिर हर जुम्मे को भी आपको बोनस वगैरह मिलता रहेगा। ये फ्राइडे बोनस वाला प्रोमो कोड है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर भी आप करोगे तो ये आईडी आपकी बन जाएगी, लेकिन आपको फिर पूरी फाइल आपको मुकम्मल बनानी पड़ेगी। तो मैं जहाँ से आपको वैसे आसान लगे, मैं तो यहाँ से बनाने वाला हूँ बाय ईमेल से। जब बाय ईमेल पे करते हो तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, एक ही बार आपने इसमें सारी चीज़ें सेट कर लेनी है ताकि दोबारा दोबारा आपको परेशानी नहीं बने। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि गुजरात, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तो मैं कराची रख लेता हूँ। तो ईमेल पे आते हैं, ईमेल यहाँ पे मैं दे देता हूँ MLIKMALEK@gmail.com, ठीक है। ये ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर देना चाहे तो देना, वरना इसको छोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे सर नेम देना है, सर नेम देने के बाद सर नेम भी हम यही दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है, तो पासवर्ड आपने पहला लफ्ज़ पासवर्ड का हमेशा आपने बड़ा रखना है, उसमें आपने कुछ गिनती के लफ्ज़ भी डालने हैं, ये याद रखना। दोबारा से पासवर्ड अच्छा, उसके बाद आ गया प्रोमो कोड। प्रोमो कोड को आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि प्रोमो कोड आपने ये वाला देना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ताकि आपको डिपॉजिट पे बोनस मिले और हर जुम्मे भी आपको बोनस मिलता रहे। सारे लफ्ज़ बड़े में लिखने हैं प्रोमो कोड के। ये वाला प्रोमो कोड आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बोनस फॉर स्पोर्ट बैटिंग रख देनी है, उसके बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी आईडी जो है, ये हमारी आईडी नंबर हमें मिल गई है, ठीक है। इसको हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। ऊपर ईमेल का भी मेरे ऊपर ये मैक डिपॉजिट कॉपी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ऊपर मुझे ईमेल भी आ गई है, उससे पासवर्ड क्या होगा ये देख रहे हो, 12,000 रुपये के आप डिपॉजिट अप इन्फॉर्मेशन, माई अकाउंट डिपॉजिट अप 12,000 और ऑटोमेटिकली क्रेडिट। जी हाँ।
यहाँ से हमारी एडी जो है ओपन हो गई। एडी ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने आना है पर्सनल प्रोफाइल में, यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने आके ये एक आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, अच्छा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी आपने यही दे देना है। अच्छा, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट नंबर दे देना है, यानी कि अपना आईडी कार्ड नंबर दे दें। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर दे दूँगा। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद यानी कि आपके आईडी कार्ड कब जारी होता है, आपने वो डेट यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ पे वो डेट डालेंगे कि हमारा आईडी कार्ड कब जारी हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, आपका जो भी शहर है वो आप मुकम्मल अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इतना सा लिख रहा हूँ, आपने पूरा एड्रेस अपना जो है लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके आपने इसको सेव कर लेना है। हमारी फाइल जो है ये मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो ये हमारे ये तरीका कार है 1xBet का अकाउंट बनाने का, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, सही है। तो ऐप डाउनलोड करने का तरीका कार यही होगा कि आपको, जैसे आपने ये 1xBet ओपन की हुई है, यहाँ पे आपको नीचे, यहाँ पे एक नीचे ये इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये 1xBet ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगी। तो ये है तरीका कार 1xBet का अकाउंट बनाने का, तो ये कोई मुश्किल भी नहीं है, आप बहुत इजीली बना सकते हो। और अगर आपको कोई किस्म किस्म का भी मसला हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी ग्रुप मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।